एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। हम लोग सेंस ऑर्गन्स पढ़ रहे थे बेटा। सेंस ऑर्गन में आपने आईज के बारे में पढ़ा था, अब आप ईयर के बारे में पढ़ेंगे। आई को बोलते थे फोटो रिसेप्टर ऑर्गन। फोटो मतलब लाइट, वो ऑर्गन जो लाइट को रिसीव करता है वो क्या है, आई। भाई हम लोग कोई भी चीज देखते हैं तो लाइट की मदद से देखते हैं, इसका मतलब आप किसको रिसीव कर रही है, लाइट को। अब दूसरा आपका ऑर्गन है ईयर। ईयर को बोलते हैं बेटा स्टैटोअकॉस्टिक ऑर्गन। ये तो क्या बोलते हैं बेटा, स्टैटोअकॉस्टिक ऑर्गन। स्टैटो का मतलब होता है स्टैटिक, जब कोई चीज रुकी होती है उसको बोलते हैं बेटा स्टैटिक। तो ईयर जो होता है ये मेनली स्टैटिक बैलेंस को बनाता है। मान लीजिए जब हम बैठे हैं और बैठे बैठे हमें नींद आने लगे, तुम लोग ऐसे ऐसे हेड टिल्ट करते फिर अचानक से झटके से उठ जाते हैं, मानो किसी ने धक्का दे दिया हो। तो ये जो बैलेंस बन रहा है बैठे बैठे कि आप गिर ना जाए, उसको कौन बना रहा है बेटा, ईयर बना रहा है। इसको एकॉस्टिक ऑर्गन कहते हैं। एकॉस्टिक मतलब सुनना। तो ईयर एक तो बॉडी का बैलेंस बना रहा है और दूसरा आपको सुनने में हेल्प कर रहा है। ईयर आपको पता ही है, इसको ईयर कहते हैं। किसको कहते हैं ईयर, किसको कहते हैं ना, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब ईयर को तीन पार्ट में बांटा गया है। जैसे आई में तीन पार्ट थे, आउटर, मिडिल और इनर। ऐसे ईयर में भी तीन पार्ट है, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर मतलब ईयर का वो हिस्सा जो बाहर होता है, क्लियर ही है। मिडिल मतलब जो बीच में आता है, इंटरनल मतलब जो अंदर की तरफ होता है। हमने यहाँ डायग्राम भी बना रखा है और यहाँ पर फ्लो चार्ट भी बना रखा है, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। एक्सटर्नल ईयर में तीन पार्ट आते हैं, ईयर पिना, ईयर पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनम। ईयर पिना क्या होता है बेटा, ये जो कान आपको बाहर से दिखता है, कान खाली इतना ही थोड़ी नहीं, कान अंदर भी है। ये जो कान आपको बाहर से दिख रहा है ये ईयर पिना है। ईयर पिना का काम होता है साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। आपको पता है साउंड वेव के रूप में चलती है, कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में चलती है कि लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में चलती है, लाइट ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में चलती है। तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में चलती है। अब वेव्स क्या होते हैं, फिजिक्स का टॉपिक है, अब यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो साउंड वेव्स है इसको कलेक्ट कौन करता है बेटा, ईयर पिना। कलेक्ट करके वो एक रास्ते पर डाल देता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, ऑडिटरी मतलब सुनने वाला, कैनाल मतलब रास्ता। वो रास्ता जो बाहर है और सुनने में हेल्प करेगा। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में हेयर्स भी होते हैं, बाल भी होते हैं, सीलिया जिन्हें कहते हैं, नाक में होता है, और साथ साथ म्यूकस भी बनता रहता है ना, या वैक्स बनता रहता है, म्यूकस नहीं, वैक्स बनता रहता है, मोम बनती रहती है। वही वैक्स या मोम कलेक्ट होकर के खूट बना लेते हैं कान में, जो गंदगी भर जाती है। तो ये जो हेयर्स और वैक्स, उसका काम क्या बेटा, एक तो वैक्स इसको मॉइस्चराइज रखता है, दूसरा हेयर्स जो भी फॉरेन पार्टिकल है जैसे वायरस, बैक्टीरिया या डस्ट है उसको ट्रैप करके बाहर निकाल देता है। उसके बाद जो साउंड वेव्स ईयर पिना ने कलेक्ट किया था और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में डाला था, अब वो जाएगा टिम्पैनम से टकराएगा। टिम्पैनम को बोलते हैं ईयर ड्रम, कान का पर्दा, कान कहते नहीं, कान का पर्दा फट गया तो ये टिम्पैनम ही है। हवा या साउंड वेव्स जब इससे टकराएगी तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन से ही साउंड बनता है, आपको पता है वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। अब जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तब इस वाइब्रेशन को मिडिल ईयर में भेजेंगे। मिडिल ईयर में तीन दो चीजें आती हैं, ईयर ऑसिकल्स और यूस्टेचियन ट्यूब। मिडिल ईयर में क्या आता है बेटा, ईयर ऑसिकल्स, इसको क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल्स, और ये क्या होता है, यूस्टेचियन ट्यूब। ऑसिकल का मतलब होता है बोन, ये कान की हड्डियां हैं। आपको पता है बेटा हमारे कान में सबसे छोटी हड्डियां है पूरी बॉडी के, जिनको बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स, उनमें भी सबसे छोटी है स्टेपीज। हमारे कान में तीन ईयर ऑसिकल्स हैं, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। इसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज। कौन सी है बेटा, स्टेपीज, समझ में आया। तो ईयर ऑसिकल्स में तीन है, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। ये वाइब्रेशन को रिसीव करती हैं और उसको एम्पलीफाई करती हैं। एम्पलीफिकेशन का मतलब है उसकी ताकत को बढ़ाना, इंटेंसिटी को बढ़ाना। ईयर ऑसिकल्स साउंड की वेव्स को एम्पलीफाई करती है, उसकी जो लाउडनेस उसको बढ़ाती है या वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती है। अब ईयर ऑसिकल के बाद जो वाइब्रेशन होता है वो इंटरनल ईयर में जाता है। उससे पहले हम यूस्टेचियन ट्यूब के बारे में समझेंगे। यूस्टेचियन ट्यूब को बोलते हैं फेरिंजो। यूस्टेचियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है बेटा फेरिंजो।
टिम्पैनिक डक्ट, डक्ट मतलब रास्ता, वो रास्ता जो फेरिंग्स और टिम्पैनम से जुड़ा होता है। देखिए ये वो रास्ता है जो एक तो टिम्पैनम से जुड़ा है ईयर ड्रम से, इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दूसरा फेरिंग्स से जुड़ा है। फॉर एग्जांपल आप नाक में दवा डालते हैं तो भी मुंह में टेस्ट आता है, आप कान में दवा डालते हैं तो भी मुंह में टेस्ट आता है। आपको पता है एक ट्यूब होती है फेरिंग्स जो नाक और मुंह दोनों से जुड़ी होती है, नाक में दवा डालेंगे तो फेरिंग्स से मुंह में टेस्ट आ जाएगा। अब कान से तो फेरिंग्स निकल नहीं रहा, लेकिन कान का जो यूस्टाचियन ट्यूब है बेटा वो फेरिंग्स से जुड़ा रहता है। जब आप कान में दवा डालते हैं तो फेरिंग्स में दवा आती है, फिर माउथ में टेस्ट आता है। तो यूस्टाचियन ट्यूब को बोलते हैं फेरिंजियो टिम्पैनिक डक्ट, डक्ट मतलब रास्ता, वो रास्ता जो फेरिंग्स और टिम्पैनम को जोड़ता है। आगे क्या है फेरिंग्स और पीछे क्या है टिम्पैनम। काम क्या है यूस्टाचियन ट्यूब का, यूस्टाचियन ट्यूब इक्वलाइज द प्रेशर ऑफ एयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईयर ड्रम। यूस्टाचियन ट्यूब क्या करता है, ईयर ड्रम के दोनों साइड पे एयर प्रेशर बराबर रखता है, ईयर ड्रम के पीछे और ईयर ड्रम के आगे। मान लीजिए यहाँ पे एयर प्रेशर ज्यादा है तो ये ज्यादा वाइब्रेट करेगा, और यहाँ से प्रेशर ज्यादा लगेगा, जब ज्यादा प्रेशर लगेगा तो ईयर ड्रम फट जाएगा, कान का पर्दा फट जाएगा, या तो फिर एयर यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ से ज्यादा प्रेशर लगेगा तो ईयर ड्रम फट जाएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ प्रेशर बराबर है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे तो ईयर ड्रम खराब नहीं होगा। तो यूस्टाचियन ट्यूब दोनों तरफ एयर का प्रेशर बराबर रखता है। कैसे, अगर मान लीजिए टिम्पैनम के आगे एयर ज्यादा है तो फेरिंग्स में भेज देगा जिससे कि लंग्स में चला जाएगा, और पीछे ज्यादा है तो कान से बाहर निकल जाएगा। तो यूस्टाचियन ट्यूब क्या करता है, एयर प्रेशर को ईयर ड्रम के दोनों तरफ बराबर करता है। अब बात आती है बेटा इंटरनल ईयर की, इंटरनल ईयर थोड़ा डिटेल में उसको पहले समझेंगे और फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। इंटरनल ईयर का एक और नाम होता है, इंटरनल ईयर का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस। इंटरनल ईयर को क्या बोलते हैं बेटा, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। क्या बोलते हैं बेटा, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेन मतलब होता है बाउंड्री, जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल की बाउंड्री, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की बाउंड्री, ऐसे ही मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ क्या है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ बाउंड्रीज से, बंधन से बंधा हुआ है, बाउंड्रीज से बंधा हुआ है। लेबिरिंथ मतलब होता है भूलभुलैया, मूवी नहीं, कार्तिक आर्यन की या अक्षय कुमार की मूवी नहीं भूलभुलैया, खाली आप लोग का मन तो टीवी और फिल्मों में लगता है। गैंगा वसीपुर का डायलॉग याद है, जो सिनेमा देखते वो कुछ नहीं कर पाते, तो सिनेमा देखना छोड़ दीजिए, देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ाई जब करके मन उगे तब देखिए। आप लोग क्या करते हैं, जब फोन से मन उगता तब पढ़ाई करते हैं, फोन में आगे बढ़ गए पढ़ाई में पीछे चले गए, हम लोग पढ़ते थे तब फोन चलाते थे, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ क्या बेटा, ये बाउंड्री से बंधा हुआ भूल भुलैया है, देखिए पूरा भूल भुलैया है। तो इंटरनल ईयर का दूसरा नाम क्या है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। और इंटरनल ईयर की बाहर के पार्ट को बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ। क्या बोलते हैं बेटा, बोनी लेबिरिंथ। इंटरनल ईयर के बाहर के एरिया को बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ। जैसे ये क्या है आपका, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, अब इसके बाहर वाले पार्ट को बोलेंगे बोनी लेबिरिंथ, ये बोन्स का पार्ट है या बोन्स का, बोन्स से बना वो भूल भुलैया है। अब जो बोनी लेबिरिंथ है बाहर की तरफ है ना, और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है अंदर की तरफ, इन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा होता है। ये मैं बना रहे ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये मान लीजिए बाहर की तरफ बोनी लेबिरिंथ है और अंदर की तरफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, तो इसके और इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं बेटा पेरी लिम्फ। पापा की परी नहीं, पेरी मतलब पेरीमीटर, लिम्फ मतलब फ्लूइड। तो वो फ्लूइड जो इंटरनल ईयर के चारों ओर घेरे हुए, पेरीमीटर मतलब जो घेराव होता है, तो वो फ्लूइड जो इंटरनल ईयर को चारों ओर से घेरे उसको बोलते हैं पेरी लिम्फ। और इंटरनल ईयर में जो फ्लूइड भरा होता है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। एंडो मतलब अंदर की तरफ, क्या बोलते हैं उसको, एंडोलिम्फ। तो इंटरनल ईयर का दूसरा नाम है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, लेबिरिंथ मतलब भूल भुलैया, और इंटरनल ईयर के बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में फ्लूइड होगा पेरिलिम्फ, या इंटरनल ईयर या मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बाहर जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, पेरिलिम्फ। और इंटरनल ईयर के अंदर या मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको बोलेंगे एंडोलिम्फ। अंदर की तरफ फ्लूइड एंडोलिम्फ, बाहर की तरफ फ्लूइड पेरिलिम्फ। अब इंटरनल ईयर में दो पार्ट आते हैं, वेस्टिबुलर एपरेटस और कॉक्लिया। वेस्टिबुलर एपरेटस, एपरेटस केमिस्ट्री में एपरेटस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ
डिवाइसेस या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जब आप टेस्ट ट्यूब भी ले रहे हैं, बीकर भी ले रहे हैं, फनल भी ले रहे हैं, कई चीजें मिलाते हैं तब एपरेटस बनता है। ऐसे यहाँ भी वेस्टिब्यूल कई चीजों से बना है। पहले जिस चीज से बना है उसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर केनाल। वेस्टिब्यूल पहले किससे बना होता है? सेमी सर्कुलर केनाल से। ये सेमी मतलब हाफ सर्किल, आप जानते हैं तो हाफ सर्किल की शेप के केनाल से। ये तीन होते हैं, दो आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, केनाल मतलब रास्ता। उसके बाद एक चैम्बर होता है यूटिक्यूलस, ये ऊपर वाला चैम्बर बेटा। फिर एक नीचे चैम्बर होता है सर्कुलस। ये तीनों मिल करके सेमी सर्कुलर केनाल, यूटिक्यूलस और सर्कुलस ये मिल करके बनाते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस। इनका काम होता है बॉडी की बैलेंस को बनाना, इसलिए ये बैलेंसिंग ऑर्गन है हमारे कान के या बॉडी के, ये बॉडी के बैलेंस बनाते हैं। और फिर आता है कॉकलिया। कॉकलिया नाम आया हुआ है शंख से, स्नेल का जो शंख होता है वो घुमा हुआ होता है, कॉकलिया भी घुमा हुआ है, तो स्नेल के शंख से शंख से नाम आया हुआ है। कॉकलिया ऑर्गन है हियरिंग का, ये सुनने में हेल्प करता है। अब दोनों का काम कैसे होता है देखिये, जो देखिए बेटा सेमी सर्कुलर केनाल की बात करते हैं, सेमी सर्कुलर केनाल के जो लास्ट पार्ट होता है वो थोड़ा सा सॉलिड होता है, फूला हुआ होता है, एनलार्ज होता है, उसको एम्पुला कहते हैं। एम्पुला में कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं, इनको क्रिस्टा कहते हैं। सेंसरी सेल क्या? जो किसी चीज को सेंस करे। जब आप इंसान चल रहा होता है तो उसकी मूवमेंट को, भाई मान लीजिए हमको सीधे जाना है, इधर गिरने लगे है, तो हमारी जो बॉडी को सीधा करने वाला सेल है वो कौन सा है? क्रिस्टा। जब हम लोग इधर उधर ढुलकते हैं ढुलकते हैं तो ये जो क्रिस्टा होता है ये मैसेज को रिसीव करता है और सेरिबेलम पे भेजता है। फिर सेरिबेलम बॉडी के बैलेंस बनाता है। हम जब चलते हैं तो हमारी बॉडी का बैलेंस कौन बनाता है? सेरिबेलम। उसको हेल्प कौन करता है बेटा? क्रिस्टा। जब दारू पी लेते हैं तो दारू सेरिबेलम पे इफेक्ट करता है। जब आप इधर उधर जाते हैं तो क्रिस्टा उस मैसेज को रिसीव तो करता है लेकिन सेरिबेलम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। फिर आप गाना गाते हैं, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, जब नाले में गिरते हैं तो अरे फिसल गया, ये तूने क्या किया। तो होता क्या होता, सेमी सर्कुलर केनाल में एंडोलिम्फ बना हुआ है, पूरे इसमें इंटरनल ईयर में एंडोलिम्फ है। जब हम लोग मूव करते हैं तो एंडोलिम्फ मूव करता है, तो ये सेंसरी सेल को टच करता है। जब सेंसरी सेल को टच करेगा तो ये मैसेज कहां तक पहुंचाएगा? सेरिबेलम तक। और अगर जरा बहुत भी डिसबैलेंस हुई बॉडी तो सेरिबेलम हमको बैलेंस कर लेगा। तो जो आपका क्रिस्टा है या सेमी सर्कुलर केनाल है, बॉडी के डायनेमिक बैलेंस बनाता है। डायनेमिक मतलब जो हम लोग चल रहे होते हैं। वही यूटिकुलस और सर्कुलस जो होते हैं, जो आपके यूटिक्यूलस है, और जो आपका सर्कुलस है, इनमें कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं ओटोलिथ या इनको बोलते हैं ओटोकोनिया। ठीक है, जब यूटिकुलस और सेक्युलस में भी एंडोलिम भरा हुआ है, जब हम लोग बैठे बैठे सोने लग जाते हैं, हेड टिल्ट करते हैं, हेड को टिल्ट करते हैं, तभी यूटिकुलस सेक्युलस का जो एंडोलिम है वो इन पार्टिकल्स को भी मूव कराता है। और ये पार्टिकल्स जो होते हैं सेंसरी सेल्स से जुड़े होते हैं जो ब्रेन तक जाते हैं। तो जब एंडोलिम मूव करेगा, जब हमारा हेड मूव करेगा तो एंडोलिम मूव करेगा, जब एंडोलिम मूव करेगा तो ये पार्टिकल्स भी मूव करेंगे और ब्रेन तक मैसेज जाएगा किसका हेड गिर रहा है उसको सीधा कर लो। ये कौन सा बैलेंस बनाते हैं बेटा? स्टैटिक बैलेंस। जो यूटिकुलस और सर्कुलस है ये कौन सा बैलेंस बना रहा है? स्टैटिक मतलब जो हम लोग बैठे होते हैं तो बॉडी का बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है बेटा कॉकलिया। कॉकलिया हियरिंग पार्ट है या हियरिंग ऑर्गन है ईयर का। कॉकलिया में तीन चैम्बर होते हैं, ऊपर की तरफ होता है स्केला वेस्टिबुलाई, बीच में होता है स्केला मीडिया, सबसे नीचे होता है स्केला टिम्पैनी। स्केला टिम्पैनी। तो कॉकलिया में तीन चैम्बर होते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी। स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, बाउंड्री होती है, इसको बोलते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन। साइंटिस्ट के नाम पर है रीजनर्स मेम्ब्रेन। ऐसे ही स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, अरे ठीक तो हो गई, मगर सब पढ़ाया जा रहा है, क्या बची रहा है। तो एंडोलिम्फ आपके पूरे इंटरनल ईयर में भरा है तो कॉकलिया में भी फिल होगा, मतलब इन सब चैम्बर्स में फिल होगा। अब बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक ऑर्गन पाया जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी।
क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गन ऑफ कॉटी। ठीक है, तो जब वाइब्रेशन कॉक्लिया तक पहुंचता है तो स्केला मीडिया का एंडोलिम्ब भी वाइब्रेट करता है, जिससे कि ऑर्गन ऑफ कॉटी तक वाइब्रेशन पहुंचता है। ऑर्गन ऑफ कॉटी में सेंसरी सेल्स होती हैं, जो एक नर्व से जुड़ी होती है बेटा। उस नर्व को बोलते हैं ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी मतलब सुनने वाला नर्व। तो कॉक्लिया में जो ऑर्गन ऑफ कॉटी है उसमें सेंसरी सेल्स होती हैं, जो ऑडिटरी नर्व से जुड़ी होती हैं। ये ऑडिटरी नर्व ब्रेन से जुड़ा होता है, जो वाइब्रेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन पढ़ता है कि क्या वाइब्रेशन आया है, फिर आपको समझ में आता है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। अभी हम आपको कुछ समझा रहे हैं, तो ये आपका कौन समझा रहे हैं, ऑर्गन ऑफ ऑडिटरी, इसकी वजह से ऑडिटरी नर्व। तो ईयर एक स्टैटो एकॉस्टिक ऑर्गन है, बॉडी का बैलेंस भी बनाता है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ज्यादातर ये बैठे हुए पोजीशन में, रुके हुए पोजीशन में बैलेंस बनाता है और साथ साथ सुनने में हेल्प करता है। ये में तीन पार्ट है, एक्सटर्नल मिडिल इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल मिडिल ईयर का काम खाली इतना है कि वाइब्रेशन को आगे भेजना और एम्पलीफाई करना, उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाना। इंटरनल ईयर का दो काम, एक तो बॉडी का बैलेंस बनाना और साथ साथ सुनने में मदद करना। बॉडी का बैलेंस बनाएगा वेस्टिबुलर पैटर्स और सुनने में मदद करेगा कॉक्लिया। वेस्टिबुलर पैटर्स में भी सेमी सर्कुलर कैनाल, यूटिकुलस और सर्कुलस बॉडी का बैलेंस बना रहे। इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल डायनेमिक बैलेंस बनाता है, यूटिकुलस और सर्कुलस स्टैटिक बैलेंस बनाते हैं। डायनेमिक बैलेंस बनता है हिस्ट्री की मदद से और स्टैटिक बैलेंस बनते हैं ऑटोलिथ और ऑटोकोनिया की मदद से। तो अब आप लोग को ईयर का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और फंक्शनिंग भी समझ में आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है बेटा तो लाइक शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ऐसे सपोर्ट करते रहें। आप लोग के लिए सारी वीडियो यहाँ पर आती रहेंगी और जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको पढ़नी होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, उसको बता दीजिएगा। थैंक यू बेटा, बाय।